नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 3 मैचों से हमारा ये ज्योतिष विज्ञान और ये न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन आईपीएल का देना स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको भी पता चल चुका है कि सलाह लगातार 3 मैच में टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन एकदम सही गया है। हालांकि ड्रीम 11 की टीम और प्लेइंग 11 जो भी कहा था उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैंने जो भी 3-3 प्लेयर बताए वो भी सटीक जाते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पॉइंट्स की वजह से आ सकता है, न्यूमरोलॉजी की वजह से, ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैच प्रेडिक्शन और टॉस प्रेडिक्शन एकदम 100% सटीक गया है। आज का ये मुकाबला 11वां मुकाबला है। ये मुकाबला आईपीएल का सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाने वाला है दुबई में। दोस्तों, इस मैच में एक छोटा सा प्रेडिक्शन मैं बता देता हूँ, यानी कि उसमें ये मैच बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ की पिच रिपोर्ट बताती है कि ये बॉलिंग पिच है और यहाँ का ये जो मैच होने वाला है एकदम मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब कल का जैसे मैच हो गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच वाला, सेम वही पद्धति का ये मैच होने वाला है। यहाँ की पिच रिपोर्ट के हिसाब से बॉलर को सबसे ज्यादा स्पिनर को मदद मिल सकती है। यहाँ पर विकेट तो गिरेंगे पर रन एवरेज बन सकते हैं यहाँ पर 150, 160, 170, 170 के पहले ही रन मतलब रन बन सकते हैं, उसके ज्यादा रन नहीं बन सकते। स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिल सकती है। यहाँ की अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ये मैच किसकी तरफ जा रहा है। यानी कि हम देखें दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत स्ट्रांग टीम है, यानी कि 2 मुकाबले खेले, दोनों के दोनों मुकाबले जीत चुकी है। और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 2 मुकाबले खेले हैं और उन्होंने 2 मुकाबले हार चुकी है। क्या हो सकता है यहाँ पर, किसके हैट्रिक हो सकती है? अगर हैट्रिक होती है दोनों की हैट्रिक होगी, यानी कि दिल्ली अगर जीतती है तो दिल्ली हैट्रिक करती है और हैदराबाद हारती है तो हैदराबाद की हारने की हैट्रिक हो सकती है। पर यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ, टॉस प्रेडिक्शन में लास्ट में बता दूंगा, पर उसके पहले आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई चेंजेस पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर यह मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। ये मुकाबला किसकी तरफ जा रहा है देखे तो दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीमों के मूलांक मैं बता देता हूँ। दिल्ली का मूलांक है 6 और सनराइजर्स हैदराबाद का मूलांक है 8, यानी कि दोनों टीमों से कंपैरिजन करते हुए देखते हैं मूलांक सबसे ज्यादा दिल्ली को जा रहा है और यानी कि भाग्यांक जो भी कहता है वो दिल्ली की तरफ उसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, दोनों की तरफ से भाग्यांक को सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच जीतती हुई यहाँ से नजर आ रही है। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे होता है पॉइंट्स में, फिर भी डीप में जाकर निकालूंगा। अगर कोई पॉइंट्स में चेंज होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। आप हमारा जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हर पिच की रिपोर्ट और मैच की रिपोर्ट भी मिल सकती है। टॉस प्रेडिक्शन एकदम सही गया है, पिछले 3 मुकाबले में हमने लगातार क्लीन स्वीप किया है, यानी कि टॉस प्रेडिक्शन मैच प्रेडिक्शन सही गया है। आज दिल्ली के कप्तान है श्रेयस अय्यर, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है डेविड वार्नर। इन दोनों टीमों की हम बात करते हैं तो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों की। यहाँ पर दिल्ली की प्लेइंग 11 हो सकती है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस टॉइनिस बेस्ट प्लेयर होने वाला है आज के मुकाबले का, अक्षर पटेल, कगिशोर अबाड़ा, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा और एंटोनी नॉर्जे, ये सब इस टीम की प्लेइंग 11 है। हालांकि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 हो सकती है जॉनी बेस्ट्रो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, रुद्धिमान साहा, पी गर्ग, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और तीर्थराज नटराजन। ये सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 हो सकती है। अब हम जानते हैं कि दोनों टीमों से
कौन से तीन तीन प्लेयर आते हैं जो कि आज आपको ड्रीम इलेवन में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देने की। जैसा कि हमने हर मैच में तीन तीन प्लेयर बताते हो, उसमें से कोई प्लेयर कभी चलता है नहीं चलता है, पर फिर भी उसी टीम मतलब जो भी तीन प्लेयर मैं देता हूँ उसमें से ही प्लेयर सबसे हाई पॉइंट देने वाला होता है। इसीलिए मैं तीन तीन प्लेयर बता देता हूँ कि यानी कि आपको सपोर्ट्स मिल सके। दिल्ली के तीन प्लेयर है, श्रेयस अय्यर सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वालों में से है, दूसरा है अमित मिश्रा और मार्कस टोइनिस। ये तीन प्लेयर दिल्ली के हैं जो आपको ड्रीम इलेवन में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने में या टीम में रखने के लिए मदद कर सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो कैप्टन के अंक ज़्यादा है, इसलिए मैं डेविड वार्नर को सपोर्ट करूंगा। डेविड वार्नर आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। दूसरा है राशिद खान और तीसरा मनीष पांडे। ये तीन प्लेयर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, आप इन तीन तीन प्लेयर में से जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ड्रीम इलेवन की टीम क्या हो सकती है, उसके बाद टॉस प्रेडिक्शन हम बता देता हूँ। उस ड्रीम इलेवन की आपके लिए टीम है, यहाँ पर मैं ऋषभ पंत और जॉनी बेस्टो दोनों को मैंने पिक किया है। यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में पिक करता हूँ श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर और मनीष पांडे, इन तीन लोगों को पिक कर रहा हूँ। और ऑलराउंडर सेक्शन में सिर्फ मैंने मार्कस टोइनिस को पिक किया है, क्योंकि बॉलिंग पिच है इसलिए मैंने बॉलर ज़्यादा रखे हैं। यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में मैंने पिक किया है अमित मिश्रा, राशिद खान, तीर्थराज नटराजन, कगिसो रबाड़ा और लास्ट प्लेयर है एंटोनी नॉर्थे। ये हमारी अभी की टीम इलेवन, ड्रीम इलेवन टीम हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको अगर फाइनल टीम में आपको ड्रीम इलेवन हमारे टेलीग्राम चैनल पे ड्रीम इलेवन की टीम भेज दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या है आप मिस करते हैं, अगर आप मिस करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ये टीम नहीं मिल सकती, इसीलिए जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फाइनल टीम टॉस के बाद ही पेस्ट वहाँ पर करता हूँ, टॉस रिपोर्ट मैच रिपोर्ट वो भी मैं वहाँ बता देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। चलते अभी हम बात करते हैं टॉस कौन जीतेगा। हम दोनों कैप्टन के मूलांक भी निकाले हैं, उसके हिसाब से ग्राफ बनाया है। हमारा ग्राफ टॉस के मामले में हम बताते हैं कि जिसका ज़्यादा मूलांक है वो मैच का टॉस जीत सकता है। इसीलिए मूलांक दिल्ली का ज़्यादा है और भाग्यांक सनराइजर्स हैदराबाद का ज़्यादा है, इसीलिए ये मैच का टॉस दिल्ली जीतने वाली है। 100% श्योर टॉस मैंने निकाला है अभी ही, और आप ये देख सकते हो हमारा 100% ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो भी हम देखते हैं 100% सही जाता है हमारा प्रेडिक्शन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए धर्मश्री विज्ञान के साथ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।